नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 8 जून 2023 दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2080 नल, शक संवत 1945 सोपकृत, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि 6:58 PM तक रहेंगे। नक्षत्र रहेंगे श्रवण, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, ये भी 6:58 रात्रि तक ही रहेंगे। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त आज 11:52 AM से लेकर 12:48 PM तक है। अमृतकाल 9:28 AM से लेकर 10:56 AM तक। राहुकाल 1:31 PM से लेकर 3:13 PM तक। रात्रि राहुकाल 1:05 AM से लेकर 2:23 AM तक। आज विवाह मुंडन कर्णवेद का बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है। दक्षिण की यात्राएं आप 6:58 PM तक कर सकते हैं। आज का दिन विश्व महासागर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज का दिन विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि। आज के दिन बुध देव ट्रांजिट करके चले गए हैं द्वितीय भाव में, वृषभ राशि में चले गए हैं और बुध सूर्य के ही नक्षत्र में है। सूर्य भी बैठे हुए हैं द्वितीय स्थान में आपके, यानी कि आपके राशि से बुध का गोचर हो चुका है। राहु और गुरु ही केवल राशि में आपके बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा समय है आपका। मान सम्मान प्रतिष्ठा से नवाजे जाएंगे। धर्म के काम में काफी आपकी मन लगेगी। लव अफेयर्स की भी स्थिति अच्छी रहेगी, सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। जो व्यक्ति नेता हैं उनके के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। वाणी में काफी आपकी चतुराई होगी। जो व्यक्ति इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो व्यक्ति विशेष करके ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, आज का दिन आपके लिए शानदार है। चंद्रमा मकर राशि में है और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के ही रहेंगे 6:58 तक। तो समय आपका काफी अच्छा है। नए वाहन नए मकान खरीदने की योजनाएं बना सकते हैं और खरीद भी सकते हैं आप। 9:49 AM से लेकर 12:55 PM तक का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा है। आप काफी तरक्की करेंगे। वाणी में आपकी मिठास रहेगी, वाणी में आपकी चतुराई रहेगी। जो व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं आपके लिए काफी अच्छा समय होगा। जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं आपके लिए अच्छा समय होगा। 12:55 PM से लेकर 2:12 PM तक का समय, थोड़े से मानसिक तनाव में आप रहेंगे, थोड़े से मन बेचैन रह सकते हैं। यात्राएं का योग होगा, यात्राओं से आपको लाभ होने की स्थितियां बनती हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारी हैं आपके लिए काफी अच्छा समय है। उधार देना आज के दिन पाप समझें, उधार देंगे तो आपके पैसे फंस जाएंगे। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय, ये समय काफी अच्छा है आपका। नया मकान खरीद सकते हैं, नई वाहन खरीद सकते हैं, वाहन के लिए बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो नया वाहन नया मकान जमीन जायदाद से आपको काफी लाभ होने वाला है। मन भी आपका काफी रोमांटिक रहेगा। महिलाओं से आपको लाभ होंगे। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय, थोड़े से वाणी आदेश देने वाले आपके होंगे, लेकिन प्रशासनिक सेवक को काफी मदद मिलेगा। डॉक्टर हैं जो काफी अच्छे डॉक्टर का समय रहेगा। जो व्यक्ति वकील हैं आपके लिए पूरा दिन अच्छा है। जो व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार करते हैं
उनके लिए पूरा दिन अच्छा है, जो शिपिंग का व्यापार करते हैं आपके लिए पूरा दिन अच्छा है। 6:58 PM के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल भी आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, अच्छा समय रहेगा। 6:58 से लेकर 9 रात्रि तक का समय व्यापार के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज के दिन आप सबसे पहले सूरज को जल चढ़ावे, इसके उपरांत बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें, गुरु के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्रौं ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रौं ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। साथ ही साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, ओम चंद्र पूजिताय नमः, ओम चंद्र पूजिताय नमः, ओम चंद्र पूजिताय नमः। आज के दिन आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है आपका 8, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं मकर राशि में और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है। यात्राएं का प्रोग्राम आपका होगा, यात्राओं से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, महिलाओं से भी आपको काफी सहयोग की स्थितियां बनती है, जमीन जायदाद से आपको लाभ की स्थिति बनती है, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, काफी पराक्रमी रहेंगे, मान सम्मान काफी मिलने की उम्मीद है। बुध भी ट्रांजिट करके आपके लग्न में आ गए हैं आज, और बुध भी कीर्ति का नक्षत्र में है तो मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी, बुद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। दवा के व्यापारियों के लिए शानदार समय होगा। 9:49 AM से लेकर 12:55 PM तक का समय, ये समय भाग्य के साथ आपकी बुद्धि काम करेगी, आपको व्यापार से लाभ होगा। जो दवा के व्यापारी हैं, जो ग्रोसरी के व्यापारी हैं, जो फूड ग्रेन्स के व्यापारी हैं, जो संचार माध्यम से काम करते हैं, जो पत्रकार हैं, जो कंप्यूटर के व्यापारी हैं, शानदार समय है आपका। जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके लिए भी शानदार समय है। बैंकिंग सेवा और एजुकेशन से लाइन से जो जुड़े हुए हैं आपके लिए भी बहुत ही शानदार समय है। 12:55 PM से लेकर 2:12 PM तक का समय, ये समय अच्छा है आपका, लेकिन थोड़े से शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं इस समय। किसी से कर्ज न लें इस समय, पुराने अगर बैंक के कर्ज हैं तो बैंक आपसे तगादा कर सकते हैं। दवा के व्यापारियों के लिए ये समय काफी अच्छा है, विशेष करके होम्योपैथ के जो व्यापारी हैं दवा के, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो शिपिंग के व्यापारी हैं, जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, आपके लिए शानदार समय है। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय, ये समय जो फिल्मों में काम करती हैं, जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। लेकिन महिलाओं से झंझट करना आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है इस समय। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय, ये समय मान सम्मान और पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, बड़े बड़े लोगों के बीच बैठेंगे, बहुत ही मान सम्मान मिलने वाला है आपको। दवा के व्यापारी के लिए समय अच्छा है। 6:58 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं, मंगल आपके तृतीय में बैठे हुए हैं, हालांकि नीच हैं, तो महिलाओं से किसी तरह का झंझट न करें, पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा। जो व्यक्ति विशेष करके पुलिस सेवा में है उनके लिए काफी अच्छा समय है। जो लकड़ी के व्यापारी हैं, काफी लाभ होगा, महिलाओं से तनाव होने की उम्मीदें आपको जारी है। आज के दिन आपका शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है आपका 5। आज गुरुवार का दिन है, आप 1008 बार केवल इस छोटे मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हूं फट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हूं फट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हूं फट, सारे दुख तकलीफ आपके दूर हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके साइड आउट हो जाएंगे, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके मकर राशि में, जो आपके अष्टम भाव की राशि है, और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के हैं, जो चंद्रमा की दूसरे भाव की राशि कर्क हैं। समय आपका बहुत अच्छा नहीं है, यात्रा तो बिल्कुल ही ना करें, यात्रा से आपको काफी नुकसान हो सकता है,
वाहन बिल्कुल सावधानी से चलावें, जमीन जायदाद के कारोबारी काफी संयम रखें, हर काम सोच समझ के करें, वाणी में काफी तलखी रहेगी यानी कठोर वाणी रहेगी, महिलाओं से न उलझें, पैटर्नल संपत्ति की सही देखभाल करें, प्रशासनिक कार्य में आपको तकलीफ होगा, जो टेंडर लेके काम करते हैं उनको दिक्कत होगा, संतान से भी थोड़े से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि कन्या संतान से आपको काफी लाभ की उम्मीदें हैं। जो व्यक्ति बिल्डर हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं है, जो प्रशासन में है उनके लिए अच्छा समय नहीं है, जो एजुकेशन सेक्टर में है बैंकिंग में है आपके लिए अच्छा समय नहीं है, जो पत्रकार हैं आपके लिए अच्छा समय नहीं है, जो इंश्योरेंस एजेंट हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, जो केमिकल का व्यापार करते हैं चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में है, जो व्यक्ति वकील हैं आपके लिए तो शानदार समय होगा आज का दिन। 9:49 AM से लेकर 12:55 PM तक का समय, ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी भी तरह का निवेश न करें, विदेश में भी किसी तरह का निवेश न करें, विदेश से भी अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिल सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है किसी तरह का निवेश न करें, जो बैंक में है लोन सोच समझ के दें वरना लोन भी फंसेगा और आप भी फंसेंगे। 12:55 PM से लेकर 2:12 PM तक का समय, मन काफ़ी आपका बेचैन रहेगा, संतान को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे, संतान आपके बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो आज का दिन बहुत अच्छा समय नहीं है संतान के लिए भी, संयम रखें। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय, ये समय जो फिल्मों में काम करते हैं उनको लाभ होगा, जो गायक गायिका हैं कला के क्षेत्र में उनको लाभ होगा, जो व्यक्ति बोरिंग का काम करते हैं जमीन से पानी निकालते हैं उनको लाभ होगा, जो व्यक्ति माइंस और मिनरल्स का काम करते हैं उनको लाभ होगा, लेकिन जो व्यक्ति विशेष करके टूर एंड ट्रेवल्स करते हैं, शिपिंग का व्यापार करते हैं, हर काम सोच समझ के करें, किसी को भी कर्ज न दें न किसी से कर्ज लें। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है आपका, पूरी तरह से संयम रखें। 6:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, घनिष्ठा नक्षत्र में, समय आपका काफी अच्छा आ जाएगा, जमीन जायदाद के कारोबारी को काफी लाभ होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी जो उलझन में फंसे हुए थे उनकी उलझने दूर होंगी, महिलाओं से भी काफी सहयोग मिलेगा, तो ये समय आपके लिए काफी लाभप्रद है। आज के दिन आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है आपका 4। आज के दिन आप विष्णु जी के 11 मंत्रों का जाप आप जरूर करें, ओम देवाय नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम सर्वसाय नमः, ओम सर्वपूजिताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम में बैठे हुए हैं मकर राशि में, और चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, चंद्रमा की राशि आपके लग्न और राशि की राशि है, काफी अच्छा समय है आपका, यात्राएं का योग होगा, यात्राओं से काफी आपको लाभ होने जा रहे हैं, काफी मन रोमांटिक रहेगा, लेकिन गुस्से के प्रकोप से आप बच नहीं सकते हैं, वाहन सावधानी से चलानी होगी आज भी आपको, किचन में जाने से बचना होगा आपको, अग्नि से बचना होगा आपको, सीढ़ी पर उतरने में सावधानी रखनी होगी आपको, जो व्यक्ति प्रशासन में है जो डॉक्टर हैं आपके लिए समय काफी अच्छा होगा, हालांकि पुलिस सेवा वाले के लिए भी समय अच्छा है, जो महिलाएं पुलिस सेवा में हैं उनके लिए ज़्यादा समय अच्छा है, बुद्धि आपकी काफ़ी तीव्र रहेगी, मान सम्मान काफ़ी मिलने वाला है, व्यापार से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, जो लिक्विड बेस व्यापार करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं आपके लिए समय काफी अच्छा होगा, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है आपके लिए भी समय अच्छा है, जो जूते चप्पल का दुकान करते हैं चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है
आपके लिए समय बहुत अच्छा है, हालांकि जनता से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समय आपका बहुत अच्छा है। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय, यह समय आपके लिए शानदार समय है। जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, बुटीक का दुकान करती हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, शानदार समय है। जो फैशन डिजाइनर है, जो कला के क्षेत्र में है, रंगमंच पे काम करते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाती हैं, शानदार समय है आपका। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय, यह समय भी आपके लिए काफी अच्छा है। जो डॉक्टर हैं, जो कैश क्रॉप का काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो प्रशासन में हैं, काफी बुद्धिमान रहेंगे, काफी तेज रहेंगे, बहुत ही अच्छा समय है आपका। 6:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल है। मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल नीच के हैं, आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी, किचन में जाने से बचना होगा, वाहन सावधानी से चलानी होगी आपको। ज्यादा गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर आपका काफी हाई हो जाएगा, तो गुस्सा न करें, किचन में न जाएं, अग्नि से दूर रहें, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहें, वाहन बिल्कुल सावधानी से चलावें, वरना मुसीबत हो जाएगा। आज के दिन आपका शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है आपका 6। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें, शर्वा वाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम तयम कार्यम अश्मत बैरी विनाशनम। शर्वा वाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम तयम कार्यम अश्मत बैरी विनाशनम। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 6ठे स्थान पर मकर राशि में, और चंद्रमा चंद्रमा की ही नक्षत्र में, चंद्रमा की राशि कर्क आपके 12वें भाव की राशि है, जहां मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। आज के दिन प्रॉपर्टी डीलर वाले को काफी नुकसान हो सकता है। जो महिलाएं पुलिस सेवा में है, चाहे जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है, आपके लिए कहीं से अच्छा समय नहीं है। हर काम को सोच समझ के करें। दवा के व्यापारी के लिए काफी अच्छा समय है। जो बिल्डर हैं, जो प्रशासन में है, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय। जो वकील हैं, आपके लिए समय भाग्य आपका बिल्कुल साथ रहेगा, काफी अच्छा समय है आपका। जो पॉलिटिशियन है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा आज के दिन, जनता में आपकी रुतबा बढ़ेंगी। 9:49 AM से लेकर 12:55 PM तक का समय, ये समय बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पत्रकार बंधु हैं उनका यात्राएं काफी हो सकती है। जो व्यक्ति टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, काफी यात्रा कर सकते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, दाल चावल का व्यापार करते हैं, विशेष करके जो गेहूं का व्यापार करते हैं, आपके लिए काफी उत्तम समय होगा। 12:55 PM से लेकर 2:12 PM तक का समय, यह समय काफी यात्रा का समय है आपका। छोटे मोटे यात्रा कर सकते हैं, पड़ोसी देशों की भी यात्राएं आप कर सकते हैं, तो ये समय संचार माध्यम से भी लाभ का समय है। विदेश से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप सामान मंगवा सकते हैं और आपको लाभ हो सकता है। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय, ये समय कहीं से आपका अच्छा नहीं है। खर्च की काफी अधिकता रहेगी, काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे, महिलाओं पर काफी पैसे खर्च करेंगे आप, घर के साजो सज्जा पर भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय होगा। जो व्यक्ति ब्यूटी पार्लर महिलाएं चलाती हैं, उनके लिए अच्छा समय नहीं होगा। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय, यह समय आपके लिए काफी अच्छा है। जो डॉक्टर हैं, काफी अच्छा समय है। जो दवा के व्यापारी हैं, काफी अच्छा समय है। जो सर्जन हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा है। जो बिल्डर हैं, आपके लिए समय काफी अच्छा है। जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं,
कैश क्रॉप से जुड़े हुए हैं आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, जो बिल्डर है आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनके लिए समय कहीं से अच्छा नहीं है। 6:58 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, घनिष्ठा नक्षत्र में। 6:58 PM के बाद समय आपका कहीं से अच्छा नहीं होगा। जीवन साथी से काफ़ी आपको उलझने पैदा होंगी, जीवन साथी से काफ़ी झंझट लड़ाई होंगे आपके, तो संभल के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन शुभ रंग है आपका गुलाबी और शुभ अंक है आपका 3। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का अगर जाप करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप आपको हर मुसीबत से आज के दिन दूर करेगा, तो आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। साथ ही साथ नहाने के बाल्टी में 2 चुटकी पीला हल्दी मिलावें और नहाने के बाद सीधे पीला वस्त्र धारण करके विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, मकर राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में, चंद्रमा की राशि आपके 11th स्थान की राशि है, जहां नीच के मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, दिन आपका काफी शानदार है। गुस्से से बचना होगा आपको, संतान को थोड़े से चोट लगने की संभावनाएं होंगी, फिर भी आज का दिन आपका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन है। ऑफिस में भी आपको मान सम्मान दिया जाएगा, उच्च अधिकारियों से भी संबंध आपके काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़े से पेट की समस्याएं रहेंगी, तो पेट में दर्द की समस्याएं रहेंगी, तो उससे निजात पाना होगा आपको। जो व्यक्ति विशेष करके तंत्र मंत्र करते हैं उनके लिए समय काफी अच्छा होगा। शेयर सट्टा लॉटरी में आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, अपने विवेक से करें आप। 9:49 AM से लेकर 12:55 PM तक का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं काफ़ी अच्छा है, जो विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट पढ़ाई के लिए उनके के लिए काफ़ी अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। जो व्यक्ति विशेष करके लव अफेयर्स में है उनके के लिए भी समय अच्छा है। सोशल आपको सम्मान मिलेगा, जो व्यक्ति विशेष करके पॉलिटिशियन है आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन जनता से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, आपकी काफ़ी आलोचनाएं होंगी, लेकिन आपको लाभ होगा। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी शानदार है, हर तरफ से मान सम्मान मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जो पुलिस सेवा में हैं महिलाएं, आपके लिए सुंदर समय होगा, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं आपके लिए सुंदर समय होगा, काफ़ी रोमांटिक मूड में इस समय रहेंगे, घूमने फिरने अच्छे अच्छे होटल में खाना खाएंगे, घर के साथ जो सज्जा का सामान खरीद सकते हैं अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद सकते हैं, नया जमीन नया मकान नया वाहन खरीदने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बनते हैं। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय, स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अच्छा है, जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं उनके के लिए काफ़ी अच्छा है, जो व्यक्ति प्रशासन में है उनके के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का समय होगा, दवा के व्यापारी के लिए समय काफ़ी अच्छा है, डॉक्टरों का भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, डॉक्टरों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। 6:58 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल आपके 11th स्थान में बैठे हुए हैं, मंगल आपकी कुंडली में 8th स्थान के स्वामी हैं, मंगल आपकी कुंडली में 3rd स्थान के स्वामी हैं, मंगल प्रबल मारक हैं, लेकिन यहां पर मंगल जमीन जायदाद दे सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस सेवक को काफी मदद कर सकते हैं, जमीन जायदाद के व्यापारी को काफी लाभ होगा, जो व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, जो व्यक्ति विशेष करके जमीन जायदाद खरीदते हैं मकान खरीदते हैं बेचते हैं उनके के लिए काफी अच्छा समय होगा, लेकिन दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा, संतान को थोड़े से चोट लगने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल है। 6:58 PM से लेकर 9:00 PM तक का समय में थोड़े से सावधानी बरतनी जरूरी है। आज के दिन आपका शुभ रंग है चमकीला और शुभ अंक है आपका 2। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें, शर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एम एम तम कालीम अश्वत्थ भैरी विनाशनम
शर्वाबाधा प्रशन्यम त्रिलोक सकलेश्वरी एम तम काड़ी अश्मत बैरी विनाशनम। साथ ही साथ इस मंत्र का दुर्गा सप्तशती का जाप क्रमबद्ध करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म गुरु रूपम दही जयम दही यशो दही दिशो जयी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म गुरु रूपम दही जयम दही यशो दही दिशो जयी। बहुत ज्यादा लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर। मकर राशि में आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा न करें, चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। चंद्रमा की राशि आपके दशम भाव की राशि है और चंद्रमा दशम भाव को देख रहे हैं। सामने मंगल बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, तो रोमांटिक तो काफी रहेंगे आप। साथ ही साथ जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, जो फिल्मों में काम करते हैं लाभ होगा, जो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं लाभ होगा, जो पुलिस सेवा में महिलाएं हैं उन्हें काफी लाभ होगा। गुस्से से बचना है आपको, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। जो प्रशासन में है उनके के लिए अच्छा समय नहीं होगा, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं उनके के लिए अच्छा समय नहीं होगा, जो बिल्डर हैं आपके लिए समय कहीं से अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति विशेष करके एजुकेशन सेक्टर में हर काम को सोच समझ के करे, जो फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग में लोन देने से बचें। 9:49 AM से लेकर 12:55 PM तक का समय, ये समय कहीं से अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति विशेष करके एजुकेशन सेक्टर से हैं संयम रखें, जो बैंकिंग सेवा में हैं संयम रखें, लोन देने से बचें। समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करेगा, अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझेंगे, सबसे बड़े बुद्धिमान समझेंगे, इस भ्रम से बचें। 12:55 PM से लेकर 2:12 PM तक का समय, ये समय मन थोड़ा से बेचैन रहेगा, यात्राएं का योग हो सकता है, लेकिन चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, किसी तरह का यात्रा आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। शिपिंग के व्यापारी के लिए समय अच्छा है, जो टूर एंड टूरिज्म का काम करते हैं उनके के लिए समय अच्छा है। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय, ये समय शानदार समय है आपका। नए गाड़ी खरीद सकते हैं, घर का साजो सज्जा का सामान खरीद सकते हैं, नई जमीन खरीद सकते हैं, नए मकान खरीद सकते हैं, बड़े बड़े होटल में खाना खा सकते हैं। जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं उनके के लिए शानदार समय है। जो बुटीक का काम करते हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, जो फैशन डिजाइनर हैं, आपके लिए शानदार समय होगा। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय, ये समय कहीं से अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, ये समय कहीं से अच्छा नहीं है। कोई भी नया रिस्क न लें, कोई भी नया निवेश इस समय न करें। 6:58 PM से चंद्रमा चल जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर भी है, तो आपको सावधानी से काम करना है, गुस्सा न करना है। जमीन जायदाद से लाभ होगा, पुलिस सेवक को लाभ होगा, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं आपको लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जो केमिकल का व्यापार करते हैं आपको भी लाभ होने की प्रबल संभावना है, फिल्मों में काम करने वाले को लाभ होगा, समय काफी अच्छा है। तुला राशि वाले, आपके लिए आज का शुभ रंग है चमकीला और शुभ अंक है आपका 8। आज के दिन आप बृहस्पति देव के मंत्रों का जरूर जाप करें, भगवती को पीला मिठाई चढ़ावें और साथ ही साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें आप। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके तीसरे स्थान पर, चंद्रमा मकर राशि में और चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में। चंद्रमा की राशि कर्क आपके नवम भाव की राशि है, जहां मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं
यात्रा का अच्छा योग होगा, शिपिंग के व्यापारी को काफ़ी लाभ होगा जो बाहर से काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा जो लिक्विड बेस्ड व्यापार करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है जो फिल्मों में काम करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा, यात्रा का प्रबल योग है, यात्रा से भी आपको लाभ होने जा रहा है, छोटे मोटे पड़ोसी देशों की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। आज के दिन जो व्यक्ति पॉलिटिशियन है आपके लिए अच्छा समय है, जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, पुलिस सेवा में हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में है, चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय अच्छा नहीं है। कोई भी शत्रु आज के दिन आपको तंग करना चाहेगा तो स्वयं नाश हो जाएगा। 9:49 AM से लेकर 12:55 PM तक का समय, ये समय व्यापार के लिए काफ़ी शानदार समय है, पार्टनरशिप के व्यापार के लिए शानदार समय है। जो इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है। जो फूड ग्रेन को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो किताब कॉपी को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर उद्योग से जुड़े हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत समय है। 12:55 PM से लेकर 2:12 PM तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन विदेश से अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, विदेश यात्रा का भी योग हो सकता है आपका। तो विदेश यात्रा करनी है तो सोच समझ के करेंगे। इस समय किसी भी तरह का निवेश करना आपके लिए उचित नहीं होगा। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपके लिए अच्छा समय है। जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आपके लिए अच्छा समय है। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय शानदार समय है, भाग्य उदय होगा आपका। लेकिन जो व्यक्ति वकील हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं होगा। जो व्यक्ति महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, बुटीक का दुकानें करती हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए हैं, कॉटन से जुड़े हुए हैं, रेशम से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय, ये समय अच्छा समय है आपका। मान सम्मान आपका बढ़ा हुआ रहेगा, दाम्पत्य जीवन से थोड़े से तनाव की स्थिति रहेंगे, तो थोड़े से संयम से काम ले। 6:58 PM से चंद्रमा चल जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल नीच के होकर आपके भाग भाव में बैठे हुए, जमीन जायदाद के कारोबारी को लाभ होगा। मंगल शनि के ही नक्षत्र में है, शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति विशेष करके माइंस का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, आपके लिए काफी अच्छा समय है। 6:58 PM से चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो काफी अच्छा समय आपका आ जाएगा। आज के दिन आपका शुभ रंग है चमकीला और शुभ अंक है आपका 5। आज के दिन आप सबसे पहले शिवालय जाएं, शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध में केसर मिलावें, धीरे धीरे चढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करें आप। ओम जुं शह मा पाले पाले, ओम जुं शह मा पाले पाले, ओम जुं शह मा पाले पाले। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप 1008 बार ध्यान से सोहम 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 इस मंत्र का जाप करें, बहुत सारे मुसीबतें दूर हो जाएगी, धन लक्ष्मी प्रतिष्ठा का आगमन होगा, दिन आपका शुभ। धनुराशि, चंद्रदेव आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा मकर राशि में है, मकर राशि के स्वामी शनि जो हैं आपके चंद्रमा से द्वितीय में बैठे हुए हैं, तो समय तो अच्छा है आपका। लेकिन चंद्रमा आपके कुंडली में, चंद्रमा की राशि आपके अष्टम भाव की राशि है, जहां मंगल बैठे हुए हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, वाणी में काफी कठोरता रहेगी। साथ ही साथ जमीन जायदाद के व्यापार से आपको लाभ नहीं होगा, महिलाओं से आपको झंझट हो सकता है जिससे जुडिशियल प्रॉब्लम होने की संभावना है, शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। लव अफेयर्स के लिए समय अच्छा है। जो व्यक्ति विशेष करके एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, ठीक ठाक समय है। जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके लिए ठीक ठाक समय है। पूरा का पूरा केंद्र खाली है सर जी, हर काम मेहनत से होगा, किस्मत आपका साथ नहीं देगा। 9th स्थान भाग्य भाव का स्वामी
सूर्य देव आपके छठे में बैठे हुए हैं, यानी कि अपने स्थान से दसवें में बैठे हुए हैं, तो प्रशासनिक सेवक को काफी मदद मिलने जा रहा है। 9:49 एम से लेकर 12:55 पीएम तक का समय, यह समय बहुत अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति स्कूल का व्यापार करते हैं सोच समझ के करेंगे, हालांकि जो टीचर हैं प्रोफेसर हैं उनका विदेश जाने का समय होता है। 12:55 पीएम से लेकर 2:12 पीएम तक का समय, यह समय काफी लाभ का समय है। जो व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं, जो व्यक्ति शिपिंग का व्यापार करते हैं, आपके लिए समय काफी अच्छा होगा। हालांकि मन थोड़े से बेचैन रहेंगे, लेकिन फिर भी यात्राओं से आपको काफी लाभ होने वाला है। 2:12 पीएम से लेकर 5:52 पीएम तक का समय, ये समय कहीं से भी अच्छा नहीं है। किसी महिलाओं से झंझट लड़ाई न करें तो ज्यादा अच्छा है आपको। जो महिलाएं हैं पुरुषों से झंझट लड़ाई न करें, वरना पूरा का पूरा फेरा हो जाएगा। शत्रुओं से सावधान रहें, जमीन के व्यापारी सोच समझ के काम करें। जो फिल्मों में काम करते हैं केवल गायक गायिकाएं, आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन बाकी समय कहीं से अच्छा नहीं है। 5:52 पीएम से लेकर 6:58 पीएम तक का समय, ये समय जो प्रशासन में है आपको काफी मदद मिलेगा। आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, दूर ट्रांसफर पोस्टिंग आपका हो सकता है, लेकिन मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। 6:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। शत्रुओं से सावधान रहें, अस्त्र शस्त्र से सावधान रहें, ये समय अच्छा नहीं है आपका। जमीन जायदाद के कार्य से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, पुलिस और प्रशासन से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। आज के दिन आप बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें या विष्णु जी के 11 नाम का जाप करें। ओम देवाय नमः, ओम वाचस्पति नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम सर्वसाय नमः, ओम सर्वपूजिताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के दिन शुभ रंग है आपका पीला और शुभ अंक है आपका 7। दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आप ही की राशि पर और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, जिसके स्वामी कर्क राशि आपके सप्तम स्थान की राशि है, जहां मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। जीवन साथी से थोड़े से आपको तनाव रह सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन काफी रोमांटिक मूड में आप रहेंगे। जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में है आपको काफी लाभ मिलेगा। जो जूते चप्पल का व्यापार करते हैं आपको काफी लाभ होगा। जो व्यक्ति नेता है पॉलिटिशियन है आपके लिए तो बड़ा ही उम्दा समय है। बहुत सारे पब्लिक आपको सपोर्ट करेंगे, न चाहते हुए भी आपको सपोर्ट करेंगे। जिन व्यक्तियों के संतान बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा समय है, उनको रोजगार मिलेगा। 9:49 एम से लेकर 12:55 पीएम तक का समय, ये समय बहुत ही अच्छा समय है आपका। स्कूल के व्यापार से काफी लाभ होगा। जो एजुकेशन सेक्टर में है काफी लाभ होगा। जो फाइनेंस सेक्टर में है आपको काफी लाभ होने जा रहा है। ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। मान सम्मान भी बढ़ेगा, बुद्धि के आपका काफी उपयोग होगा। बुद्धि के लोग आपके दाद देंगे, बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले आप रहेंगे। 12:55 पीएम से लेकर 2:12 पीएम तक का समय, ये समय कर्म के क्षेत्र के लिए अच्छा समय है। यात्राएं का योग होगा। जो टूरिंग का काम करते हैं, टूर एंड टूरिज्म का काम करते हैं, आपके लिए काफी अच्छा समय होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं आपके लिए काफी अच्छा समय होगा। जो विदेश से काम करते हैं, संचार माध्यम से काम करते हैं, आपके लिए भी अच्छा समय होगा। 2:12 पीएम से लेकर 5:52 पीएम तक का समय, ये समय काफी अच्छा है। काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। हर तरफ से आपको लाभ होगा। व्यापार से आपको काफी लाभ होगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको काफी लाभ होगा, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय अपने विवेक से करें। 5:52 पीएम से लेकर 6:58 पीएम तक का समय, ये समय बुरा समय नहीं है आपका, अच्छा समय है। संतान जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। संतान के विदेश जाने की संभावना है। संतान बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। 6:58 के बाद
6:58 पीएम के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल आपके सप्तम में बैठे हुए हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखेंगे आप, जीवन साथी के स्वास्थ्य से प्रॉब्लम हो सकता है, जीवन साथी से झंझट लड़ाई हो सकता है, तो स्वास्थ्य पर विशेष प्रॉब्लम रखें। आज के दिन आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है आपका 1। आज के दिन आप शिवालय जाए और शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध में थोड़े से केसर मिलाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम जुं श्याम मा पाले पाले, ओम जुं श्याम मा पाले पाले, ओम जुं श्याम मा पाले पाले, तथा माँ गौरी के मंत्रों का भी जरूर जाप करें। जयंती शिवा शिव जानकी, राम गौरी शंकर सीताराम, जयंती शिवा शिव जानकी, राम गौरी शंकर सीताराम। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 12वें स्थान पर और चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। चंद्रमा की राशि आपके 6ठे भाव की राशि है, जहां मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। हर काम को आज सावधानी से करें, यात्रा न करें तो ज्यादा अच्छा है। यात्रा से आपको काफी नुकसान होने वाला है, यात्रा से चोट वगैरह भी लगने की संभावनाएं प्रबल होंगी। वाणी में काफी कठोरता रहेगी, शत्रुओं का समन करने के लिए आप तैयार रहेंगे। झंझट लड़ाई से आप बचें, आज के दिन विशेष करके महिलाओं से झंझट लड़ाई से आप बचें। जो व्यक्ति हृदय रोगी है काफी सोच समझ के खान पान पर विशेष ध्यान दें। पराक्रम आपका काफी भरा हुआ रहेगा लेकिन मन आपका सुस्त रहेगा। शनि की सरसादी भी चल रही है, शनि आपके राहु के नक्षत्र में, राहु तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, विदेश से लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं आपको। 9:49 एम से लेकर 12:55 पीएम तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय नहीं है आपका। माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, बहन के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, विदेश से कुछ अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। 12:55 पीएम से लेकर 2:12 पीएम तक का समय, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, विदेश से आपको कुछ लाभ होने की स्थिति बनती है। लेकिन जो शिपिंग के व्यापारी हैं, जो टूर एंड ट्रेवल्स के व्यापारी हैं, आपके लिए कहीं से अच्छा समय नहीं होगा। 2:12 पीएम से लेकर 5:52 पीएम तक का समय, यह समय खर्च की काफी अधिकता रहेगी। महिलाओं पर ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, बिना मतलब शौक मौज पर ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि महिलाओं से थोड़े से आपको तकरार हो सकते हैं, महिलाओं से थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। 6:58 पीएम के बाद चंद्रमा चले जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल आपके 6ठे स्थान पर ही बैठे हुए हैं, नीच के हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं। गुस्से पे आप कंट्रोल रखें, शत्रुओं का समन होगा। प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उनके के लिए कहीं से अच्छा समय नहीं होगा। आज के दिन हृदय रोगी जो पहले से हैं, हर काम सोच समझ के करें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज के दिन आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है आपका 1। आज के दिन आप मां काली के मंत्रों का जरूर जाप करें, हौं काली महाकाली किली किली फट, हौं काली महाकाली किली किली फट, हौं काली महाकाली किली किली फट। साथ में बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव आपके 11th स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में हैं, जिसके स्वामी कर्क आपके 5म स्थान के राशि हैं। संतान को काफी लाभ होने जा रहा है, कन्या संतान को भी काफी लाभ होगा, दिन आपका काफी अच्छा है। लेकिन बिना मेहनत किए हुए आज आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा केंद्र आपका खाली है, यानी कि लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम में कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, तो मेहनत तो आपको करनी होगी। जो लव अफेयर्स में उनके लिए अच्छा समय है, जो पॉलिटिक्स में है आपके लिए समय अच्छा नहीं है। केवल आप भाषण ही देंगे आज, लेकिन पब्लिक आपकी भाषण को मानेगा नहीं। जो प्रशासन में है काफी अच्छा समय है, पराक्रम आपका काफी बड़ा हुआ रहेगा, बुद्धि आपकी काफी तीव्र रहेगी। जो व्यक्ति शिपिंग के व्यापारी हैं काफी लाभ होगा, जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं काफी लाभ होगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं आपके लिए अच्छा समय नहीं है। 9:49 एम से लेकर 12:55 पीएम तक का समय, यह समय
अच्छा समय है, विदेशों से थोड़े से लाभ हो सकते हैं आपको, ग्रोसरी के व्यापारी को लाभ होगा, जो इंपोर्टर हैं एक्सपोर्टर हैं फूड ग्रेन्स का काम करते हैं, आपके लिए अच्छा समय होगा। 12:55 PM से लेकर 2:12 PM तक का समय कहीं अच्छा नहीं है, मन काफी आपके बेचैन रहेगा, एक जगह स्थिर होकर आप नहीं रह सकते हैं, मन आपका स्थिर किसी भी कीमत पर इस समय नहीं रहेगा, तरह तरह के विचार कौंधते रहेंगे आपको, पॉलिटिशियन को भी इस समय नुकसान होगा। 2:12 PM से लेकर 5:52 PM तक का समय, ये समय काफी लाजवाब है, कन्या संतान को काफी लाभ होगा, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, फिल्मों में काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, जो सिल्क का व्यापार करते हैं, कॉटन का व्यापार करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, आपके लिए सुंदर समय है। 5:52 PM से लेकर 6:58 PM तक का समय, ये समय पराक्रम तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा, विदेश से थोड़े से लाभ होने की स्थिति बनती है, जो व्यक्ति प्रशासन में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, जो दवा के व्यापारी हैं शानदार समय है, जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं शानदार समय है, लेकिन जो व्यक्ति वकील हैं आपके लिए समय अच्छा नहीं है। शनि की सारी शादी चल रही है, शनि आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं, वाणी में सौम्यता रखें। 5:52 PM से लेकर 6:58 तक, 6:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल है, मंगल आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं, मंगल आपके पंचम में बैठे हुए हैं, नवम पंचम योग लगाए हुए हैं, इस समय काफी लाभ होगा, शत्रुओं को आप प्रास्त करेंगे, साथ ही जमीन जायदाद से आपको काफी लाभ होगा, जो व्यक्ति नया मकान नया गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनको भी काफी लाभ होगा, जो इंटीरियर डेकोरेशन में है उनको काफी लाभ होगा, जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है आपको काफी लाभ होगा, जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं आपको भी काफी लाभ होगा। आज के दिन आप विष्णु जी के 11 नामों का जाप करें, ओम देवाय नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम सर्वपूजिताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज के दिन शुभ रंग है आपका उजला और शुभ अंक है आपका 9, दिन आपका शुभ हो। राशिफल के श्रृंखला में इतना ही, आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।